हिना खान की दो तस्वीरें बन गई उनके लिए मुसीबत, लोगों ने उड़ा दी उनकी नींद, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग। रमजान के महीने में बॉलीवुड की हसीना हिना खान ने पोस्ट की थी पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर वायरल होते ही मचा हंगामा। सपनों में भी बॉलीवुड की हसीना ने नहीं सोचा होगा ऐसा, जो उनसे प्यार करते हैं वही सुनाएंगे इतनी खरी खोटी। हिना खान ने वो कौन सी बड़ी गलती कर दी जिससे नाराज हो गए उनके फैंस, देने लगे अपना लंबा चौड़ा ज्ञान। बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना हिना खान इन दिनों काफी चर्चा में, ये चर्चा बेहद हैरान कर देने वाली है। हिना खान बॉलीवुड की वो हसीना है जो बिंदास रहती है, रोजाना की एक्टिविटी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। ऐसे में हिना खान की दो तस्वीरें उनके लिए मुसीबत बनती जा रही हैं, जिसकी हम इस रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि हिना खान ने वो कौन सी बड़ी गलती कर दी जो उनके लिए मुसीबत बन गई है। आखिर क्यों उनसे प्यार करने वाले अब उनसे नफरत करने लगे हैं, उन्हें लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे हैं। बताते चले कि हिना खान बॉलीवुड की उन हसीनाओं में से हैं जो इस्लाम धर्म को मानती है। वो मुस्लिम है, ऐसे में कट्टर मुस्लिम समर्थक हिना खान को उनके कपड़ों में देखना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, जिन कपड़ों की पाबंदी इस्लाम में है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि इस्लाम में अंग प्रदर्शन बिल्कुल हराम है, ऐसा करने वाले लोग जहन्नम ही कहलाए जाते हैं। हम आपको हिना खान की उस गलती के बारे में बताएं, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि हिना खान की हालिया वायरल हुई तस्वीर सुर्खियों में क्यों है। बता दें कि 27 अप्रैल की है ये तस्वीर। मुंबई में फिल्म फेयर अवार्ड शो का आयोजन हुआ, इसमें तमाम जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन सारी लाइमलाइट हिना खान चुरा ले गई। उनका बोल्ड अवतार देख सभी उन्हें देखते ही रह गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर की, लोग उन्हें ताने मारने लगे। ये कहने लगे कि वो अभी हज करके आई हैं, उन्हें कुछ तो शर्म करनी चाहिए। 35 साल के हिना खान ने फिल्म फेयर अवार्ड में मस्टर्ड कलर का वीनेक शिमरी गाउन पहना था। वो इस लुक में बहुत ग्लैमरस लगी, फैंस को उनका लुक बहुत पसंद आया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई फोटोज शेयर की। हिना खान के पोस्ट पर यूजर्स कमेंट कर रहे हैं और ताने मार रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आ गई अपनी असलियत पर। दूसरे ने कमेंट किया, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, इन लोगों से सच में कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अन्य ने लिखा, बस दिनदारी खत्म, इतना ही डोज था बस स्पिरिचुअलिटी का। कुछ लोग हिना खान को उमराह का वाला दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, उमराह करके आने के बाद भी इस हालत में रहना बहुत शर्म की बात है। दूसरे ने लिखा, वहाँ से आकर तौबा करता है इंसान। हिना खान रमजान के पाक महीने में उमराह करने गई थी, इस दौरान उन्होंने ढेर सारी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। हिना को आखिरी बार साल 2022 में स्क्रीन पर देखा गया था। अब आपको ये भी बता दे कि हिना खान को लोग इतनी खरी खोटी क्यों सुना रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार वो महिलाएं नर्क में जाएंगी जो अपना अंग प्रदर्शन करती हैं। उनके लिए जहन्नुम के सिवा कोई दूसरी जगह नहीं है। कपड़े छोटे पहनना, अपने बदन को दिखाना या ऐसी चाल चलना जिससे कि एक गैर मर्द उस महिला की तरफ आकर्षित हो और उत्तेजना बढ़े, ऐसी स्थिति में वो महिला खुद को जहन्नुम में धकेल रही है। वजह साफ है, फिल्म फेयर अवार्ड में बॉलीवुड की हसीना हिना खान जो रमजान के पवित्र महीने में बुरके में उमरा करने गई हुई थी, उन्होंने अवार्ड फंक्शन में ऐसे कपड़े पहन लिए जिसकी वजह से यूजर्स उनको देखकर खरी खोटी सुनाने लगे। आपको हिना खान का यह कातिलाना अंदाज कैसा लगा? हिना खान के बारे में तरह तरह की बातें करने वाले लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। क्या हिना खान ने इस्लाम के नियम कानून को तोड़ा है? उन्होंने वही किया है जो एक स्टार को करना चाहिए।